हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस विद एके ओबेरॉय और ये है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 23.1 पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज, आपको यहां स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज का एंगल सी 90 डिग्री है तो बीसी इज इक्वल टू 21 और यानी 21 और इकाई 21 इकाई एवं एबी जो है वो 29 इकाई है हो तो साइन ए कॉस ए, साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ पर जहां पर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है, ये चिन्ह का मतलब 90 डिग्री होता है। जहां पर आपको कहा गया है कि ए बी जो है, ए बी आपका 29 इकाई है और बी सी जो है वो 21 इकाई है। ठीक है, तो अब इसे आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो यहाँ पर पी निकालना है आपको। ओके, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय क्या जानते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय में हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब पी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वहीं यहां पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एच प्लस बी एच माइनस बी। तो यहां पर आप अगर बैठाएंगे फॉर्मूला को तो एच स्क्वायर यहां पर क्या है, एच क्या है हमारा, एच है हमारा ए बी। ठीक है, तो एच सॉरी ए सी है हमारा, ये पी स्क्वायर जो हमारा एच स्क्वायर है ए बी और पी क्या है हमारा, पी है ए सी और बी है हमारा बी सी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पी क्या है हमारा, ए सी, ए सी है यहां पर इज इक्वल टू ए बी, ए बी ए बी लीजिए यहां पर एच स्क्वायर माइनस बी सी। तो यहां पर इससे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी अगर लगाइएगा तो यहां पर मिलेगा ए बी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड विथ ए बी माइनस बी सी। यहां पर ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर ए बी का वैल्यू कितना दिया हो गया यहां पर, इस फॉर यहां पर बैठाइए ए बी, ए बी कितना 29 दिया गया यहां पर, तो ए बी बैठाइए 29, बी सी कितना है, बी सी है यहां पर 21 बैठाइए और फिर यहां पर ए बी, ए बी 29 माइनस बी सी 21। ठीक है, तो अब यहां से आपको प्लस करके कितना मिला, 50 आया, इंटू 29 से 21 गया तो 8 बचा, तो इंटू कीजिए 50 इंटू 8 कितना होता है 400। तो ए सी स्क्वायर अगर 400 होगा तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर अगर इस साइड था इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 400, रूट 400 को क्या हो जाएगा, रूट 20 इंटू 20, तो यहां से आपको रूट हटाने पर क्या मिलेगा, 20 का। यानी ये जो ए सी है, ये जो ए सी है ना, ये ए सी का मान कितना है, 20 है। ठीक है, तो अगर ए सी यहां पर 20 है तो साइन निकालना है आपको, साइन ए क्या होगा, अगर साइन ए यहां पर इसे अगर यहां से आप इसे अगर आप यहां से खींच दीजिएगा तो ये ए नीचे गिर जाएगा, ए अगर यहां नीचे गिर जाएगा तो यहां ए एंगल बन रहा है ना, इसे आप ऊपर से उतार दीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो इसे यहां से उतारने के बाद आपको ये दिखेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे यहां पर साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए यहां पर पी जो है यहां पर बीसी में बदल जाएगा, पहले बीसी बी था लेकिन अब बीसी पी हो गया क्योंकि ऊपर से उतरा है ना, घुमा दिया हमने इसे, हमने इसे घुमा दिया। ठीक है, तो घुमाने के बाद ये बीसी हमारा एच पी बन गया, ये हमारा ए बी हमारा एच हो गया अब और ए सी हमारा बी हो गया। तो अब बस बैठा दीजिए वैल्यू, यहां पर पी कितना है, पी है 21 लीजिए, पी 21 है, ये पी है 21, एच कितना है, एच है हमारा 29, उसके बाद कॉस के लिए भी वैसे ही बी कितना है हमारा, बी है 20 और एच है कितना 29। अब साइन बी, अब एंगल अगर बी में है, एक चीज याद रखिएगा, जब एंगल जहां बोला जाएगा वहीं से आपको पकड़ना पड़ेगा, वहीं से आप उसे खींच के ऐसे गिरा दीजिए। तो यहां पर अगर एंगल बी में है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए सी, तो यहां पर ए सी पी हो गया हमारा और ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। तो पी अगर हमारा 20 है और एच हमारा 29 लिख लीजिए, कॉस के लिए भी वैसे 21/29 क्योंकि ये होगा बी बाई एच। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाले। तो सभी यानी आपको सारे निकालने होंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सभी निकालने हैं। ठीक है,
अगर आपको नहीं पता है कितने सारे होते हैं, तो पहला पार्ट वन में आपको सारे मिल जाएंगे, मैंने पार्ट वन में बता दिया था। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहले तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया है कॉस थीटा सॉल्व करता है ये। तो कॉस थीटा दिया गया है 7/5। तो कॉस थीटा हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस थीटा में क्या पता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर बी बाई एच होगा तो यहाँ बी क्या हो गया, 7 हो गया बी। तो इसलिए हमने बेस को ले लिया, यहाँ पर 7 पकड़ लिया। ठीक है, और यहाँ पर एच कितना है, एच यहाँ 25 यानी AC। तो समकोण यहाँ पर कितना हो गया, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P निकालना है। P का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया था, तो उसी फॉर्मूला में बैठाइए और आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर AC हमारा कितना दिया, 25 है, यहाँ पर BC यहाँ पर 7 हो गया, तो उससे हम बैठा कर 32 × 18 हो गया। अब यहाँ का इसका ल सफा अगर ले लेते हैं, तो ल सफा करने के बाद इसका ये आपको मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैसे हम यहाँ पर ल सफा करेंगे इसका। तो इसका ल सफा करने से आपको ऐसे करके आपको ल सफा लेना होगा, मैं 32 का कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर 2 से जाएगा ये, तो 2 1 2, यहाँ कैरी 1, 12 सिक्स 2 6 2 8 16, तो फिर 2 4 8, ये 2, तो क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 बार। फिर 18 का वैसे ही करिएगा, 3 3 9 हुआ, 9 2 18। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया, तो AB इज इक्वल टू। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन हमें मिल रहा है, समान यहाँ पर क्या मिल रहा है, समान हमें यहाँ पर मिल रहा है ये 2 2, ये 2 2, ये 2, ये 2 और ये 3। तो इसमें से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें से क्या लेंगे हम, 2 × 2 यानी 4 हो गया। फिर ये 2 का जगह क्या लिख सकते हैं, 8, 2 × 2 × 2। देखिए मैं यहाँ पर एक स्टेप दिखा देता हूँ आपको कि इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमने किया है कि ये जो 2 है, यहाँ पे हमें 2 आ गया इंटू ये 2 आ गया, यहाँ इन दोनों 2 से हमें क्या मिल गया, इन दोनों 2 से हमें एक 2 मिल गया और इस 3 से हमें 3 मिल गया। तो यहाँ पर अगर आप इंटू करते तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 × 3 24 इकाई आ गई। तो आपको यहाँ पर हमें ए बी मिल गया। ठीक है, हमें ए बी मिल गया। तो ए बी, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो ये अगर पी है तो पी बैठा ये 24, एच है 25, कॉस लीजिए बी बाई एच, बी है 7, एच है 25, ये बी 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 नीचे वाला होता है, ये पी होता है, एच होता है, पता है। अब टेन पी बाई बी होता है 24/7 हो गया यहाँ पर, और कोसेक होता है एच बाई पी, 25/24, सेक होगा एच बाई पी 25/7, कॉट होगा बी बाई पी, ये हो गया 7/24। तो ये हमारा आंसर है।